Bismillahir Rahmanir Rahim. So today we will continue our further lecture. I think all of you can hear me. Kindly reply, beta. Fine. सबको आवाज आ रही है, ठीक हो गया. नहीं, आज हम स्टार्ट करेंगे. मैं कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहा था, लेकिन अब एक क्वेश्चन था हमारे पास. एक वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आई थिंक बच्चे ने कहा होता है कि कराची लिमिटेड की कंपनी है, उसका सवाल डिस्कस करना चाह रहा था. तो एक क्विकली सा वो पूरा क्वेश्चन एक रिवाइज करके देन वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर. तो कराची लिमिटेड आई थिंक ये हमारे पास आपके क्वेश्चन बैंक में एक क्वेश्चन होगा, कराची लिमिटेड वाला आपके क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन नंबर 2.5 है आई थिंक. 2.5 मेरे पास बैक की हैंडबुक में भी क्वेश्चन होगा, तो ये हैंडबुक से भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इंशाल्लाह हम उसको सॉल्व करेंगे. हैंडबुक चैप्टर नंबर 2. सो 2.5 क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करेंगे. वैसे ये क्वेश्चन ये सारे मेरे होम असाइनमेंट थी जो मैंने कल भी सॉल्व किए, जो अभी भी मैं सॉल्व करूंगा. ये बच्चों को घर से करने के लिए होते हैं, लेकिन बहरहाल क्योंकि स्टार्ट है मैं आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाई जा रहा हूँ. और भी बहुत से सवाल इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे. तो पैक की हमारे पास यस ठीक है नीचे ये कराची लिमिटेड वाला सवाल है यार. फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, हमें फाइंड क्या करना है इसके लिए. ये बड़े अच्छे सवाल है इनके. अगर आपको ये सवाल अच्छे आप ग्रिप कर जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा. एग्जामिनर किसी भी स्टार में पूछे आपको समझ आ जाएगी. बेटा स्क्रीन नजर आ रही, मैंने स्क्रीन आपके साथ शेयर की अभी, सबको स्क्रीन नजर आ रही, सवाल नजर आ रहा कुछ, B1 लिखा हुआ रहा है, चलिए ठीक हो गया इंशाल्लाह. सो वी कंटिन्यू है, आगे चलते हैं यहाँ पे हम. तो मेरे पास ये सवाल होगा, ये कराची लिमिटेड राइट आई थिंक सो हियर यस. यार ये नीचे वाला ओपन आया था, ठीक है. हाँ जी, ये B6 है मेरे पास सवाल. B6 है मेरे पास सवाल कराची लिमिटेड बेटा. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे. तो यहां से आप ऑनवर्ड रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे. आपको ये 14 मार्क्स की रिक्वायरमेंट दी हुई है. ऑटम 2009 में ये हमारे पास आया हुआ, तो इसमें जो 10 मार्क्स है ये मोस्ट न्यूमेरिकल एरियाज है हमारे पास. तो इसको हम देखेंगे यहाँ पे. कहते वर्क आउट द मोस्ट इकोनॉमिकल ऑप्शन. तो दो ऑप्शन दिए होंगे, 2-3-4-5 डिफरेंट ऑप्शन होंगे. यानी कि कल हमने बात की थी, वो बात करा था कि हम वर्किंग करते हैं यार कि हम EOQ का ऑर्डर प्लेस करें या जो एग्जिस्टिंग हमारी पॉलिसी है वो वाला ऑर्डर प्लेस करें. उनमें से जो बेस्ट होता है उस एक बेस्ट को हम यहाँ पे चूज कर रहे होते हैं. तो यहाँ इसमें क्या है, इसके अंदर हमारे पास मोस्ट इकोनॉमिकल ऑप्शन, तो डिफरेंट ऑप्शन दी जा रही होंगी कि हम 2000 क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करें, 3000, 4000 व्हाटएवर जो भी है. तो उन ऑप्शन में से हमने वर्किंग करनी है कि किस लेवल पे या ये कितनी क्वांटिटी पे या किस ऑर्डर साइज पे हमारी टोटल कॉस्ट कम आ रही है, वो हम यहाँ पे वर्कआउट करेंगे. नंबर 2 पे बात करें compute the annual savings in case the company revise its policy in accordance with the computation. हाँ जी, annual savings कितनी हो रही है यहाँ पे, ये भी बात करेंगे कि कंपनी कैसे रिवाइज करे अपनी पॉलिसी को. एग्जिस्टिंग कोई और ऑर्डर होगा जिस ऑर्डर पे हमारी, जिस ऑर्डर साइज पे हमारी टोटल कॉस्ट कम आ रही होगी, उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी रिवाइज कर देंगे. तो ठीक हो गया, एनुअल सेविंग्स भी हमने वर्किंग करनी है, कुछ सेविंग्स हमारी कितनी की हो रही होंगी, ठीक होगी बात यहां तक. तो ये जनाब हमारे पास सवाल है, इस सवाल के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे चल रहे होंगे. तो हमारे पास अब सवाल पे आता हूं बेटा, मैं सवाल पीछे से पढ़ते बेटा. ये सवाल है मेरे पास कराची लिमिटेड बेटा, ये सवाल ही है. कहते कराची लिमिटेड इज अ लार्ज रिटेलर ऑफ द स्पोर्ट्स गुड्स. कोई स्पोर्ट्स गुड्स होंगी, उसका लार्ज रिटेलर होगी कंपनी.
The company buys footballs from a supplier in Sialkot. आपको आइडिया होगा सियालकोट में बड़े फुटबॉल बनते हैं यार. तो कंपनी वो क्या करती है, सियालकोट से फुटबॉल बाय करती है. अच्छा, कराची लिमिटेड यूज इट्स ऑन ट्रक टू पिक द फुटबॉल फ्रॉम द सियालकोट. अच्छा, ये है कि ट्रक वो अपना यूज करते हैं, जितना भी माल वो सियालकोट से उठाना होता है अपने ट्रक उनका जाता है, वो पिक करके ले आता है. द ट्रक कैपेसिटी इज 2000 फुटबॉल्स पर ट्रिप. ये बात है, अब ये ऑर्डरिंग की कॉस्ट की बात हो रही है कि एक दफा जब ट्रक जाएगा तो वो 2000 फुटबॉल ला सकता है, इससे ज्यादा नहीं ला सकता. ठीक हो गया. एंड द कंपनी हैज बीन गेटिंग अ फुल लोड ऑफ फुटबॉल्स एट ईच ट्रिप. ये भी बात कर ली हमने कि कंपनी जब भी ट्रक जाता है वो 2000 ही लेके आते हैं, इससे काम नहीं लगता, फुल कैपेसिटी यूज करता है. मेकिंग 12 ट्रिप्स ईच ईयर. पूरे साल में 12 महीने तो 12 ट्रिप वो करता है और एक ट्रिप में वो 2000 फुटबॉल लेके आता है. तो अगर मैं बात करूं पूरे साल की कितनी भी डिमांड होगी, तो बड़ा सिंपली हम इसको 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2000 के साथ, हमारे पास 24000 की डिमांड आ जाएगी. पूरे साल के अंदर कितनी 24000 की वो क्वांटिटी जो है वो यूज हो जाती होगी. टू 2000 फुटबॉल्स पर ट्रिप है, पूरे साल में 12 ट्रिप है यार, तो सिंपल मल्टीप्लाई करके हम 24000 निकाल सकते हैं. रिसेंटली द सप्लायर रिवाइज्ड इट्स प्राइसेस एंड ऑफर्ड क्वांटिटी डिस्काउंट. अच्छा जी, तो डिस्काउंट की यहां बात की जा रही है. ठीक हो गया. अच्छा, डिस्काउंट यहाँ परसेंटेज में नहीं दिया हुआ. लास्ट हमने बहुत से सवाल देखे उसमें परसेंटेज में दिया होता था, हम उसके अकॉर्डिंग टोटल कॉस्ट निकाल लेते. अब उसने डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस दे दी, तो खैर हम सबको देख लेते हैं कि हर एक के अकॉर्डिंगली क्या क्या आ रहा होगा हमारे पास यहाँ पे. तो इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे हम वर्किंग कर लेंगे. अच्छा, अगर हम 2000 की क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करते हैं. अच्छा, मैं सिंपल चीज है बात करूं यहाँ पे बेटा, डिमांड कितनी होगी पूरे साल में, कितने ऑर्डर, 12 ऑर्डर जाते हैं, हर ऑर्डर में कितनी क्वांटिटी जाती है 2000 की, तो ये तो 24000 बनता है बेटा, 24000. तो 24000 की ये वैल्यू हमारे पास आ रही है. ठीक है, 24000 की मेरे पास ये वैल्यू आ रही होगी कि 24000 का क्या होता होगा, 24000 की हमारी डिमांड होती होगी. एक मिनट जरा, क्योंकि यहाँ पे ना वो इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा इश्यू आ रहा है, तो थोड़ा आइडिया होगा पाकिस्तान में तो लोड शेडिंग बहुत शुरू होगी, तो इस वजह से थोड़ा सा मसला. एक मिनट जस्ट. अच्छा, हम डिस्कस करते हैं उसी देर. अच्छा अच्छा, हमारे पास कितनी डिमांड होगी यहाँ पे, 24000 की डिमांड होगी ना, 24000. अच्छा, 24000 की जब हमारे पास डिमांड होगी तो यहाँ पे एक मिनट हो गए यार. अच्छा जी, 24000 की बेटा हमारे पास डिमांड होगी. अब हम एक क्वांटिटी, अच्छा हमें डिफरेंट डिस्काउंट दिए गए यहाँ पे फिलहाल. बेटा कितने कितने डिस्काउंट दिए जा रहे हैं आपको, 2000 क्वांटिटी का डिस्काउंट है, 3000. अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम 2000 क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करते हैं, पूरे साल की डिमांड कितनी बेटा, 24000 है. मुझे बताए कितने नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस करेंगे, जल्दी जल्दी क्विकली सब लोग मुझे ये बताएं जल्दी. 12 ऑर्डर प्लेस करेंगे एग्जैक्टली बेटा. इसी तरह अगर हम 3000 क्वांटिटी का बेटा ऑर्डर प्लेस करते हैं तो फिर क्या होगा, फिर कितने नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस करेंगे. यहाँ इस केस में सपोज 12 है, तो इस केस में कितने आएंगे, तो 24000 को किससे डिवाइड करेंगे, हम 3000 से डिवाइड कर देंगे, 8 ऑर्डर आ जाएंगे एग्जैक्टली बेटा. इसी तरह अगर 4000 का ऑर्डर प्लेस करते हैं तो फिर कितना आएगा हमारे पास, 6 ऑर्डर आ जाएंगे. इसी तरह हम यहाँ पे 6000 के हिसाब से, 8000 के हिसाब से नंबर ऑफ ऑर्डर बड़े आसानी के साथ निकाल सकते हैं. आगे चलता हूँ. अदर रिलेटेड डेटा इज गिवन बिलो. ऑल द परचेजेस आर रिक्वायर्ड टू बी मेड इन लॉट्स ऑफ 1000 फुटबॉल्स. अच्छा, ये भी है कि हम ये नहीं है कि ऑर्डर प्लेस करें, दो फुटबॉल दे दें, तीन दे दें, नहीं. जब जितने भी ऑर्डर होंगे लॉट्स के अंदर होंगे और लॉट्स जो है 1000 से कम की नहीं होंगे. तो जितनी भी आप परचेजेस कर रहे होंगे वो 1000 फुटबॉल लॉट्स में आप ऑर्डर प्लेस कर रहे होंगे. अच्छा जी, द कॉस्ट ऑफ मेकिंग वन ट्रिप इज ₹15000. एक ट्रिप जो जाते हैं, ऑर्डरिंग की बात हो रही बेटा. हमने कहा ना 12 ऑर्डर दे रहे हैं, 8 ऑर्डर, 6 ऑर्डर थे. एक दफा अगर ट्रक जाता है तो एक ट्रिप की कितनी कॉस्ट पड़ती है, 15000 रुपीज की पड़ती है. द कंपनी हैज ऑप्शन टू हायर अ थर्ड पार्टी फॉर द ट्रांसपोर्टेशन विच वुड चार्ज ₹9 पर फुटबॉल. ये क्या बात उसने कर दी बेटा, ये इसलिए उसने बात की है. अगर हम क्वांटिटी की ऑर्डर प्लेस करें, अभी हमने बात की थी कि हमारा जो ट्रिप है, हमारा जितने भी ट्रिप है, एक दफा अगर हमारा ट्रक जाता है
तो हमारे ट्रक की कैपेसिटी कितनी है? वो तो 2000 की है। यहाँ बेटा बात करे थे हमारे जो ट्रिप की, हमारा जो ट्रक जाएगा बेटा उसको सामान को पिक करने के लिए, हमारे ट्रक की कितनी कैपेसिटी है? हमारे जो ट्रक की कैपेसिटी है वो तो 2000 की है, वो तो 2000 फुट वाली ला सकता है। अगर मैं ऑर्डर 2000 से ज्यादा का ऑर्डर, बड़ा ऑर्डर प्लेस करता हूँ तो फिर क्या करूंगे? फिर अपना ट्रक तो जाएगा जाएगा, फिर हम क्या करेंगे? जितने एक्स्ट्रा हम माल लेकर लाएंगे, यानी 2000 से जितने अभाव हमारे पास चीजें लेंगे बेटा, उसके लिए फिर हम थर्ड पार्टी को हायर करेंगे। तो थर्ड पार्टी की वो यहाँ बात कर रहा है कि थर्ड पार्टी को आप कैसे पे करेंगे। तो कंपनी हैज द ऑप्शन टू हायर द थर्ड पार्टी फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन के लिए थर्ड पार्टी हायर कर सकते हैं। तो कितना पे करना पड़ेगा आपको? 9 पर फुटबॉल। जितने 2000 से अबव वाले फुटबॉल होंगे उस पर आप 9 के रेट से पे कर रहे होंगे। ठीक हो गया, ये बिल्कुल बात ठीक बच्चे से लिखा हुआ है आप, कि जितने हमारे पास 2000 से ज्यादा के फुटबॉल होंगे उसके लिए हम 9 पर फुटबॉल कॉस्ट ये भी पे कर रहे होंगे। अच्छा, तो कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, एक ऑर्डर को प्लेस करने की कॉस्ट 2000, ये क्या है? देखिए ऑर्डरिंग कॉस्ट के आगे कैटेगरीज है। एक है ऑर्डरिंग कॉस्ट, जो हमारा क्लरिकल डिपार्टमेंट होता है, जो वर्किंग करता है, स्टाफ है, जो सारी बैठ के कॉलेज वाले करता है, प्लान करता है ऑर्डर प्लेस करना है नहीं करना। तो वो वर्किंग की जो कॉस्ट है, वो क्लरिकल की जो कॉस्ट है, वो 2000 रुपया पर ऑर्डर है। एक तो ये है। फिर ट्रक जाएगा, ट्रक लेके आता है हमारे पास, उसकी कॉस्ट तो वो 15000 है, ये भी ऑर्डरिंग कॉस्ट ही है। फिर 2000 से जितना हमारे पास माल ज्यादा होगा, 2000 फुटबॉल से, 2000 की क्वांटिटी से ज्यादा जितने हमने ऑर्डर प्लेस किया होगा, उससे 9 पर फुटबॉल वो भी पे करना होगा। तो ये सारी की सारी कैटेगरीज क्या हैं? ये हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट है बेटा। उसके बाद द कॉस्ट, द कैरिंग कॉस्ट ऑफ वन फुटबॉल फॉर वन ईयर इज ₹80। ये कैरिंग कॉस्ट है कि एक फुटबॉल को अगर आप एक साल के लिए होल्ड करते हैं तो आपको होल्डिंग की कितनी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी? ₹80 की आपको होल्डिंग की कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। कहते हैं वर्कआउट कर लेंगे मोस्ट इकोनॉमिकल ऑप्शन क्या है, तो हम हिसाब अभी लगा लेते हैं जनाब, जहां हमारी टोटल कॉस्ट सबसे कम हो उसके अकॉर्डिंग वर्किंग कर लेंगे। तो एक हम क्विक सा रिव्यू करते हैं जनाब, कितने ऑर्डर है। एक बात हमें समझ आ गई क्या, कि पूरे साल की डिमांड कितनी है? 12 ऑर्डर प्लेस करेंगे, एक ऑर्डर में 2000 की क्वांटिटी आती है, तो 24000 की हमारी एनुअल डिमांड है। नंबर ऑफ ऑर्डर निकाल लेते हैं यहाँ पे क्विकली बेटा। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अभी क्वांटिटी हमें सवाल में दी हुई थी, क्वांटिटी क्या क्या दी हुई थी? 2000, 3000, 4000, 6000, 8000, इतना नहीं यूज है ना हमारे पास। चलो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि 2000 का ऑर्डर प्लेस कर सकता हूँ मैं, 3000 का कर सकता हूँ, 4000 का मैं कर सकता हूँ, और 4000 के अलावा क्या था मेरे पास? देखिए जरा सवाल में बेटा, हाँ जी, 2000, 3000, 4000, 6 और 8, ठीक हो गया, 6000, हाँ बेटा ये 6000 आ जाएगी मेरे पास, और 8000, ठीक होगी बात। क्विकली से वैसे कर देता हूँ ताकि आप अगर दो एक भी हमने कर लिया तो आपको बाकी सारा सवाल समझ आ जाएगा। हाँ जी, पर निकाल लेते हैं टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में क्या होता है हमारे पास? एक होल्डिंग कॉस्ट होती है, और एक हमारे पास क्या होती है? ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है बेटा, और एक परचेज कॉस्ट भी होती है। यहाँ परचेज कॉस्ट रेलिवेंट होगी, क्यों? क्योंकि यहाँ डिस्काउंट मिल रहा है बेटा, हम डिफरेंट क्वांटिटी के जब ऑर्डर प्लेस कर रहे होंगे तो डिफरेंट डिस्काउंट मिलने हैं। तो यहाँ मैं टोटल कॉस्ट ही लूंगा, यानी परचेज कॉस्ट भी निकालूंगा, कैरिंग कॉस्ट भी निकालूंगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी निकालूंगा, तीनों को ऐड करूंगा। तीनों को ऐड करके मैं यहाँ भी बात करूंगा, क्योंकि डिस्काउंट इज अ रेलेवेंट फैक्टर हियर। क्योंकि डिफरेंट क्वांटिटी के अगर हम 2000 का ऑर्डर प्लेस करते हैं तो प्राइस कुछ और है, 3000 का ऑर्डर प्लेस करते हैं तो प्राइस कुछ और है, 4000 का ऑर्डर प्लेस करते हैं प्राइस कुछ और। तो यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है, तो जहां पे हमें डिस्काउंट मिल रहा होता है वहां पे हम परचेज कॉस्ट भी ऐड करते हैं, यानी जहां पे आप होल्डिंग ऑर्डरिंग प्लस परचेज कॉस्ट भी देंगे। अगर यहाँ डिस्काउंट ना मिल रहा होता तो फिर परचेज कॉस्ट को बेचक मैं इग्नोर कर देता, कि मैं व्हाट एवर द क्वांटिटी आई विल प्लेस, तो हमारे पास अगर परचेज कॉस्ट सेम भी रहती तो फिर आप उसको इग्नोर भी कर सकते हो, यहाँ इग्नोर नहीं होगा। अच्छा, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, इस सवाल के अंदर ऑर्डरिंग कॉस्ट काफी दी हुई, तो हम हर खाली ऑर्डरिंग कॉस्ट पहले निकाल लेते हैं। अब ये क्वांटिटी है, पूरे साल की डिमांड 24000 आपके सामने बेटा। अब नंबर ऑफ ऑर्डर निकालें जल्दी जरा, अभी आपने बताया भी थे, बच्चे ने मुझे बताया था, अभी ऑर्डर बताएं जल्दी जरा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, मैं सिंपल नंबर लिख देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए, नंबर बताएं, नंबर ऑफ ऑर्डर जल्दी जरा। हम पहले केस में 12 ऑर्डर जना बिल्कुल, तीसरे दूसरे केस में कितना होगा? 8 ऑर्डर, देन 6 ऑर्डर, देन दिस इज, ठीक हो गया, एग्जैक्टली नंबर ऑफ ऑर्डर निकला है। अब हमें कॉस्ट क्या क्या दी हुई थी? डिफरेंट कॉस्ट दी हुई थी यार, अगर यहां मैं बात करूं, एक तो दी हुई थी मुझे कॉस्ट ऑफ मेकिंग वन ट्रिप इज ₹15000, सीधा सीधा ही है। तो ये एक तो ये 15000 पर ट्रिप कॉस्ट,
एक तो आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 15,000 को सीधा ही, कि 15,000 हमारे पास ये पर ट्रिप कॉस्ट है, तो मल्टीप्लाई करें 15 से, 12 को 15 से मल्टीप्लाई करें जल्दी करें, 12,000 मल्टीप्लाई 15,000 तो 180,000, दिस इज 180, ये आ गया। जल्दी बेटा मल्टीप्लाई करें, आपने मल्टीप्लाई कर रहा है यार, यू हैव टू यूज द कैलकुलेटर। सो 15,000 मल्टीप्लाई 8, हरी अब हरी अब हरी अब 120, 90, यस आगे मल्टीप्लाई करें, ये 90 आ जाएगा यार, देन 4 से मल्टीप्लाई करें 60 आ जाएगा, देन ये 45 आ जाएगा, ठीक हो गया, ये 45 है, ठीक हो गया। एक तो ये मेरे पास सीधा सीधा था हमारे पास, एक और चीज हमें बड़ी सीधी सीधी दी हुई थी वो क्या थी हमारे पास, एक और चीज जो हमें बहुत सीधी दी हुई थी बेटा वो क्या बताई हुई थी हमें यहाँ पे, कि उसने बात की हुई थी तो कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, ये क्लरिकल डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट 2,000 पर ऑर्डर है, इसको भी मैं यहां पे ऐड वैसे कर सकता था, यानी ऐसा मैं कर सकता था कि 15,000 में 2,000 वो भी ऐड कर, 17,000 एक ही दफा मल्टीप्लाई कर लेता, लेकिन खैर अलग अलग भी कर सकते हैं, तो ये ऑर्डरिंग की ये भी कॉस्ट है 2,000, तो 2,000 इसको भी मल्टीप्लाई करें, ये पर ऑर्डर है ठीक है, तो पर ऑर्डर है 2,000 मल्टीप्लाई 12 करें तो 24,000 आ जाएगा, आई थिंक सो 12 मल्टीप्लाई 2,000 तो ये 24,000 आ जाएगा, 24,000, 16,000, देन मल्टीप्लाई करें 2,000 मल्टीप्लाई 6 तो हमारे पास 6,000, आई थिंक सो कुछ ऐसे ही आ रहा होगा, फाइन। यहां तक बड़ा क्लियर है, यानी 15,000 हमारे पास एक पर ट्रिप एक कैरिंग कॉस्ट, वो कह ले आप ट्रक जाएगा लेके आएगा, 2,000 डिपार्टमेंट की कॉस्ट है, 17,000 कंबाइन करके मैं वर्किंग कर सकता था। अच्छा और भी ऑर्डरिंग कॉस्ट दी थी बड़े सवाल में, उसे बात की थी 9 पर फुटबॉल आपको एक्स्ट्रा प्ले पे करना है अगर आपका ऑर्डर 2,000 से ज्यादा है, चले देख लेते हैं कहां कहां 2,000 से ज्यादा, पहले में नहीं है बस यार, बाकी समय ही आएगा, तो यहां 2,000 से कितना ज्यादा वर्किंग करते हैं बेटा, 1,000 ऑर्डर ज्यादा, तो 9 मल्टीप्लाई इसको मल्टीप्लाई कर लें यहाँ पे, अब अभी अच्छा ये अब नंबर ऑफ ऑर्डर भी देखना पड़ेगा यहाँ पे, यस दिस इज 8 ऑर्डर भी तो प्लेस करने हैं आपने, यानी मैं यूं लूंगा इसमें थोड़ी मैं यहाँ वर्किंग कर दूं कि कितनी क्वांटिटी एक ऑर्डर में हमारे पास 2,000 से ज्यादा है, 1,000 की क्वांटिटी लूंगा, क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करूंगा नंबर ऑफ ऑर्डर के साथ, उसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं 9 के साथ, लाइक इस सवाल के अंदर यहां पे 3,000 थे और एक्स्ट्रा कितना है 1,000 है, 1,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 यानी 1,000 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 9, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें बेटा तो 72,000 आई थिंक सो आ जाएगा, यस तो हमारे पास क्या आएगा 72,000, तो ये 72,000 आ गए बेटा, जल्दी जरा बेटा कर देना था इसको। अब इसी तरह से 2,000 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 9 क्या आता है 2,000 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई बाय 9 108 आई थिंक आएगा, हरिये भरिये भरिये 108,000 एग्जैक्टली, यूज द कैलकुलेटर, देन अगेन बेटा आगे यूज करें, यहां 6,000 का ऑर्डर है तो ये भी 2,000 से ज्यादा ही है, कितना ज्यादा है तो 4,000 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 9 144 देन मल्टीप्लाई करें बेटा 6,000 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 9 हेलो सर कैन यू हियर मी, सर ये जो है हम ऐसे नहीं करेंगे, ये 3,000 का जब हम ऑर्डर प्लेस करेंगे 2,000 की कॉस्ट जो सी है वो 15,000 होगी क्योंकि हमारा ट्रक लेके जा रहा होगा, और 1,000 की जो है हम जो से थर्ड पार्टी का हायर कर रहे हैं तो 1,000 मल्टीप्लाई 9 और इसी तरह 4,000 में 2,000 जो यूनिट्स है वो अपना ट्रक लेके जाएगा, ऐसे ऐसे ही करेंगे, जस्ट वेट 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 हम ऐसा ही कर रहे हैं, लेकिन एक साल में कितनी दफा ट्रक जाएगा, अगर मैं 3,000 की क्वांटिटी की वर्किंग कर रहा हूं तो एक साल में ट्रक ने 8 दफा जाना है क्योंकि 8 नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस करने हमने, तो 8 दफा हमें थर्ड पार्टी को हायर करना पड़ेगा, ओके ठीक है ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू, सो फाइन, सो व्हाट वी विल डू, सो हमारे पास क्या है कि 2,000 से जितनी क्वांटिटी ज्यादा होगी उस पे हम क्या करेंगे, उस पे हम थर्ड पार्टी को हायर करेंगे, तो एक ऑर्डर में जो है वो जस्ट 1,000 एक्स्ट्रा होगा, लेकिन
साल में हमें 8 दफा ऑर्डर प्लेस करना है, तो 8 दफा हमारा ट्रक जाएगा और तो 8 दफा ही हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ठीक हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे अब ऑर्डरिंग कॉस्ट, हमारे पास ये भी आ गई ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये भी ऑर्डरिंग कॉस्ट है बेटा, और ये भी ऑर्डरिंग कॉस्ट है। इन तीनों को ऐड कर लें कि अगर मैं 3,000 का ऑर्डर प्लेस करता हूं तो फिर कॉस्ट क्या आती है, 2,000 रुपए, एक ये कॉस्ट आ रही है, एक ये आ रही है, और यहाँ पे ये जीरो है। तो ऐड कर लेंगे जरा हम इसको। तो ऐड कैसे करेंगे हम, दिस इज जगह कम पड़ रही मेरे पास। सो व्हाट वी विल डू, वी विल पुट हियर, यहां आपने टोटल लगा लेना है, टोटल यहां पे बेटा ऐड कर लेते हैं। तो 180 एंड 24 ऐड किया, टोटल क्या आ रहा है मेरे पास, हरी अब 204,000। अब मैं इसको 204 लिख लेता हूं, मेरे पास जगह कम है बेटा। अब तीनों को ऐड करें, 120,000 प्लस 16,000 प्लस 72, फिर तीनों को ऐड किया, 208 आई थिंक आ रहा होगा, यस 208 आ गया। देन मेरे पास बेटा, और फिर तीनों को ऐड करें, हरिया भरिया 210, 212, इनको भी ऐड करें आगे, यस फाइन। तो ये अभी हमने क्या फाइंड किया, अभी हमने फाइंड किया है ऑर्डरिंग कॉस्ट। जैसे हमने ऑर्डरिंग कॉस्ट फाइंड की है, एक और शीट ले लेता हूं मैं ताकि मैं इसको और इसको कर सके। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है जहां भी यार टोटल कॉस्ट, यानी किस ऑर्डर पे हमारी टोटल कॉस्ट कम आती है। अगर मैं यहां पर सिंपल मेंशन कर लूं, मेरे पास क्वांटिटी कौन कौन सी है, क्वांटिटी को मेंशन कर लेते हैं। एक 2,000 का ऑर्डर था, एक 3,000 क्वांटिटी का ऑर्डर है, एक 4,000 का ऑर्डर है, देन 6 और 8 है आई थिंक, सो 6 और यस, देन 6,000 का ऑर्डर है और 8,000 का ऑर्डर, ये मेरे पास क्वांटिटी है। अब ये क्वांटिटी, अब मैं इस क्वांटिटी पे निकालता हूं इनकी, चले ऑर्डरिंग कॉस्ट की पहले बात करें, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट अभी हमने निकाल ली है, वो हमने फाइंड कर ली, कितनी फाइंड की है, 204, 208, 210, 212, 213, ये सारी क्या थी हमारे पास, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट की आ रही थी। तो ये ठीक है, हमने ऑर्डरिंग कॉस्ट यहां फाइंड कर ली, 204 था एक मेरे पास, 208 था, 210 था, देन और क्या था मेरे पास, 210 के 212, 213, ठीक है 212 और 213 आ गई बेटा, ये 1000 में सारी वैल्यू आ रही मेरे पास, फाइन। अब मैं यहां पे फाइंड करना चाह रहा हूं कैरिंग कॉस्ट। तो कैरिंग कॉस्ट तो बहुत ही आसान सवाल में दी थी, उसने बताया था द कैरिंग कॉस्ट ऑफ वन फुटबॉल वन ईयर इज 80 रुपीज, यानी एक यूनिट को एक साल के लिए, एक फुटबॉल को पूरे एक साल के लिए होल्ड करने की जो कॉस्ट है वो 80 कॉस्ट है। तो ठीक है, ये 80 हमें दी भी है। अब कैरिंग कॉस्ट निकालते कैसे, इसका फॉर्मूला क्या था, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्या फॉर्मूला था इसका, क्वांटिटी डिवाइड बाय 2 इंटू होल्डिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। अब इस केस में यहां पर क्वांटिटी कितनी होगी, यहां पर 2,000 की क्वांटिटी है, तो 2,000 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 1,000 आ जाएगा, 1,000 को मल्टीप्लाई बाय आप 80 करेंगे तो हमारे पास 80,000 आ जाएगा, फाइन। पहले केस में क्या हो रहा है, 2,000 डिवाइड बाय 2 इंटू 80 बेटा कर लेंगे तो मेरे पास क्या आ रहा है, 80,000 आ रहा है। ये बात समझ आ गई बेटा आपको, इज इट क्लियर, पहले ऑर्डर के केस में 2,000 की क्वांटिटी के केस में क्लियर है बेटा, ठीक हो गया। तो ये हमने फाइंड कर लिया 80,000। अब ये 80,000 मेरे पास आ गया, दूसरे के केस में फाइंड करें, 3,000 डिवाइड बाय, करें इसको डिवाइड 2 से, मल्टीप्लाई करें इसको 80 के साथ, क्या आती है मेरी कॉस्ट, अरे भरिए भरिए 120 एग्जैक्टली, देन इसको डिवाइड करें 2 से, फिर 80 से, तो कितना है कि 160 आई थिंक आना चाहिए, यस ऐसे ही है बेटा, 8,000 इसको डिवाइड करें 2 से, फिर मल्टीप्लाई करें 80 से, तो 320 आई थिंक सो, यस। ये हमारे पास क्या आ रही है, सारी की सारी कैरिंग कॉस्ट आ गई, यानी होल्डिंग कॉस्ट भी आ गई और ऑर्डरिंग कॉस्ट भी आ गई। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू परचेज कॉस्ट, एनुअल परचेज कॉस्ट, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट प्लस एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, तीनों को एड करना है। अब परचेज कॉस्ट हम यहां पर लेंगे, तो परचेज कॉस्ट कैसे लेंगे, इट्स वेरी सिंपल बेटा, क्वांटिटी दी हुई है, प्राइसेस भी दी हुई, डिस्काउंटेड प्राइसेस, किस किस प्राइस पर हमें कौन कौन सी चीज यूज करनी है, तो उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। तो क्या क्या प्राइस दी हुई, तो मैं प्राइस ही यहाँ पहले मेंशन कर लेता हूँ, मेरे पास स्पेस है तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे प्राइस यहाँ मेंशन कर लेता हूँ,
तो क्या क्या प्राइस मुझे दी हुई है यहाँ पे, प्राइस से जरा बात कर ले बेटा। हाँ जी, कौन कौन सी प्राइसेस दी हुई है, अगर सवाल में देख लेता हूँ, प्राइसेस मेंशन कर लेता हूँ यहाँ ताकि और मेरे लिए आसान हो जाए। हाँ जी, 2000 की क्वांटिटी पे प्राइस कितनी होगी हमारे पास, 400 विल बी द प्राइस। कितनी प्राइस होगी हमारे पास, 400, 400, 390, 380, 370, 360। तो इसको हम यहां भी यूज करेंगे। तो ये 400, 390, 380, और क्या था हमारे पास, 370, 360। तो 370 और 360, लेकिन ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्राइसेस दी हुई, ये मैंने आसानी के लिए यहां भी लिख लिया है कि ये हमारे पास प्राइसेस पर यूनिट आ गई मेरे पास। तो प्राइसेस पर यूनिट है, क्वांटिटी आपके साथ है, हरी बेटा इसको मल्टीप्लाई करेगा जल्दी, ये एक्स्ट्रा हमने यहां भी लिख लिया है, मल्टीप्लाई करेगा इसको, ये प्राइस है, दिस इज द प्राइस एंड दिस इज द क्वांटिटी, मल्टीप्लाई करें 400 को मल्टीप्लाई करें यहां पे, क्योंकि ऐसा ही होगा। ऑर्डरिंग क्वांटिटी लेंगे या डिमांड लेंगे, क्या कहते हैं आप, हरी हरी, क्या 400 को मुझे 2000 से मल्टीप्लाई करनी चाहिए, इतनी क्वांटिटी लेनी चाहिए या पूरे साल की क्वांटिटी लेनी चाहिए, परचेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था। यस, परचेज कॉस्ट हमने बात की थी, हम लेंगे पूरे साल की डिमांड, डिमांड इनटू परचेज प्राइस। पूरे साल की डिमांड तो कांस्टेंट है, वो तो हमने निकाल लिया था, वो तो 24000 ही है। तो पूरे साल की डिमांड तो कांस्टेंट है, 24000 की डिमांड है, इनटू परचेज प्राइस, ये प्राइस अब आपको दी हुई है, तो मल्टीप्लाई कर ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा, परचेज कॉस्ट। तो हरी मल्टीप्लाई करें जल्दी जल्दी, 24000 मल्टीप्लाई दिस मल्टीप्लाई दिस, 24000 मल्टीप्लाई 400, तो क्या आएगा मेरे पास, अरे अब क्या आ रही वैल्यू, 96 एंड यहां भी आ रहा है, 390 मल्टीप्लाई 400, मल्टीप्लाई 400 नहीं करेंगे, 390 मल्टीप्लाई 24000। यस, हरिये भरी सब लोग मल्टीप्लाई करें, यूज द कैलकुलेटर क्विकली, 9360, एग्जैक्टली 9360 बेटा, देन 380, हरिये क्विकली मल्टीप्लाई करें इसको, नाइन थ्री एट जीरो, 9120, एग्जैक्टली 9120 बेटा, देन एग्जैक्टली फाइन, नेक्स्ट वैल्यू फाइन करेंगे, यस एग्जैक्टली, और देन हमारे पास ये 360 था, 360 मल्टीप्लाई 24000, दिस इज क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास, आई थिंक 8640, यस दिस इज 8640। अब इन सबको टोटल कर लेंगे हमारे पास, इन टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एनुअल, हमारे पास एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट एंड परचेज कॉस्ट, तो हमारे पास क्या आएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगा। तो फाइंड कर लेते हैं आप टोटल कॉस्ट, इन तीनों को ऐड कर लें, तो ऐड करेंगे यहां पे इन तीनों को, तो क्या वैल्यू मेरे पास आती है, वैल्यूज यहां पे, ये एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट और ये, इन तीनों को ऐड करेंगे हमारे पास, तो ऐड करके हमारे पास जो वैल्यूज आ रही होंगी उसके बिहा पे डिसाइड कर लेंगे, जहां पे कॉस्ट सबसे लो होगी That order we should place. करें ऐड क्या आती है, सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू क्या आती है, ये 204 और 496 कितना बनता है, ये 604 हो जाएगा, 6 इसमें ऐड कर लें, कितनी वैल्यू बनती है, 9884 एग्जैक्टली, 9884 यहां भी आ रहा है, देन बेटा नेक्स्ट थ्री वैल्यूज ऐड करें, 9688 एग्जैक्टली, देन 9490 आ रहा है, यस देन, हरी अब नेक्स्ट तीनों वैल्यू ऐड करें, दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन, नाइन थ्री थ्री टू एग्जैक्टली और 9173, 9173 देख लेंगे आप, विच क्वांटिटी ऑर्डर वी शुड प्लेस, कौन सा ऑर्डर साइज सबसे इकोनॉमिकल आया था, सबसे एंड वाला ही है,
क्यों जी? सबसे एंड वाला आई थिंक ये हम जो कर रहे हैं ना, दैट इज द बेस्ट। 9173 सबसे लो कॉस्ट आ रही है। किस पे आ रही है? 8000 पे आ रही है। 8000 इज अवर बेस्ट क्वांटिटी साइज। हमें 8000 का ऑर्डर प्लेस करना चाहिए जिससे हमारी टोटल कॉस्ट, लेकिन जैसे जैसे ऑर्डर का साइज बढ़ता जा रहा था हमारे पास, वो प्राइस लो होती जा रही, डिस्काउंट बढ़ता जा रहा था और टोटल कॉस्ट कम से कम होती जा रही थी। अच्छा, सवाल के अंदर रिक्वायरमेंट एक बार फिर पेपर लेते बेटा। रिक्वायरमेंट, व्हाट वाज द रिक्वायरमेंट? रिक्वायरमेंट क्या थी? कहते वर्क आउट द मोस्ट इकोनॉमिकल ऑप्शन, वो हमने कर ली है। अच्छा, बच्चे ने कहा सर अगर क्वेश्चन में डिस्काउंट गिवन ना होता फिर हम ईओक्यू भी फाइंड करते। नहीं बेटा, अगर वो हमें कहे सवाल के अंदर कि आप एग्जिस्टिंग जो प्रैक्टिस है उसको यूज करें और ईओक्यू की क्वांटिटी को यूज करें और दोनों में बताएं कि कौन सा बेहतर है और कितनी कॉस्ट सेव हो रही है, तो फिर हम ईओक्यू को अप्लाई करते हैं। ये वैसे सवाल में कहे कि कंपनी जो भी एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस है इन कंपैरिजन टू ईओक्यू क्या बेहतर है, या हमें जनरल सवाल करते हैं यार हमें कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करना चाहिए क्या बेहतर है, तो फिर हम ईओक्यू फाइंड करते हैं। यहां उसने खुद सारी क्वांटिटीज दी हुई, ईओक्यू ने दिया, उसने खुद कहा है कि हम 2000 का ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं, 3000 का भी, 4000 का भी, 6000 का भी, 8000 का, ये सारी क्वांटिटी साइज ऑर्डर साइज उसने खुद दिए हुए। हमने सब इसके हिसाब से फिर वर्किंग कर दी कि अगर हम ये ऑर्डर प्लेस करते हैं तो फिर क्या आएगा, 3000 पे क्या आएगा, 4000 पे क्या, हम उसके अकॉर्डिंग इसको चल रहे हैं, इसलिए हम इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व किया। अच्छा, एक तो पहली रिक्वायरमेंट थी मोस्ट इकोनॉमिकल ऑप्शन क्या है, वो हमने कर लिया बेटा। दूसरा कहते कंप्यूट द एनुअल सेविंग्स इन केस द कंपनी रिवाइज़ेस पॉलिसी इन अकॉर्डेंस विद द कंपटीशन। अगर कंपनी पॉलिसी रिवाइज कर लेती है अपनी तो कंपनी की सेविंग क्या हो रही होगी। अच्छा, एग्जिस्टिंग कंपनी की क्या पॉलिसी थी? एग्जिस्टिंग कंपनी की पॉलिसी सवाल के अंदर जो चल रहा था बेटा, सवाल में ही चल रहा था, कंपनी की पॉलिसी ये थी द ट्रक कैपेसिटी इज 2000 फुटबॉल, 2000 का फुटबॉल था। कंपनी हैज बीन गेटिंग अ फुल लोड ऑफ फुटबॉल्स एट ईच ट्रिप मेकिंग 12 ट्रिप्स ईच ईयर। यानी कंपनी हर साल कितने ट्रिप करवा रही थी? 12 ट्रिप करवा रही थी और डिमांड 24000 निकाली भी वही। और यानी इस कंपनी एग्जिस्टिंग पर क्या ऑर्डर प्लेस कर रही थी? कंपनी एग्जिस्टिंग 2000 का ऑर्डर प्लेस कर रही थी। यानी इसका मतलब एग्जिस्टिंग ऑर्डर तो 2000 का था और हम अब किस पे मूव कर गए? हम जनाब 2000 की बजाय हम मूव कर गए 8000 के ऑर्डर के ऊपर। लिहाजा हम कॉस्ट सेविंग यहां पे निकाल सकते हैं। एग्जिस्टिंग ऑर्डर के मुताबिक जो कॉस्ट बनती है वो ये कॉस्ट बनती है जनाब, और हम अब किस ऑर्डर पे मूव कर गए? हम इस पे मूव कर गए तो इसके मुताबिक जो कॉस्ट बनती है वो ये बनती है जनाब। तो इन दोनों को हमने कंपेयर कर लेना है, इनका हमने डिफरेंस निकालना है, वो कॉस्ट सेविंग आ जाएगी हमारे पास। तो कॉस्ट सेविंग बेटा अभी हम निकाल लेते हैं कॉस्ट सेविंग, कितनी कॉस्ट सेव हो रही। ये एग्जिस्टिंग पॉलिसी थी, इनमें निकालने जा रहा हूं कॉस्ट सेविंग कि एग्जिस्टिंग मेरी इतनी कॉस्ट अब और नई कॉस्ट कितनी आ रही है 9173। डिफरेंस ले लें बेटा, क्या डिफरेंस आ रहा है आपके पास? जो भी डिफरेंस होगा आई थिंक 711 है। यस, और ये क्योंकि हम 1000 में ले रहे थे अल्टीमेटली ये 1000 में बेटा आ रहा है, 711,000 ही आ रहा होगा। ये दैट इज अ कॉस्ट सेविंग। मैं अगर इस पॉलिसी को फॉलो करता हूं तो मेरी कितनी कॉस्ट सेव होती है? 11,000 की कॉस्ट मेरी सेव हो रही बेटा यहाँ पे। इज इट क्लियर? यहां तक बेटा कोई इशू? कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? इज इट डन? तो हमने आराम से तसल्ली से ये सवाल कर लिए यार। अच्छा जी, बाकी सवाल अब आपने खुद कर लेने यार मैनेज, बाकी सवाल अब आपने खुद मैनेज कर लेने। मैंने काफी सवाल आपको करवा दिए, काफी हमने प्रैक्टिस और इसमें काफी हमने टाइम स्पेंड कर लिया। Now I will move on the next topic. थोड़ा मैं इस पे स्टार्ट करता हूं। यहां तक कोई सवाल बेटा? यहां तक क्लियर है तो मैं अगले नए चैप्टर पे स्टार्ट करना चाह रहा हूं। अच्छा, तो नए हम एरियाज पे मूव करते हैं। ओवरहेड्स का मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। वैसे तो लेबर भी हमारा एक चैप्टर है, बहुत आसान से सिंपल से चैप्टर है। मैं ओवरहेड्स को डिस्कस करना चाह रहा हूँ, लेबर हम फिर देख लेंगे उसके अकॉर्डिंगली। ओवरहेड्स क्या होता है ना? हाँ जी, क्या होता है ओवरहेड्स? अगर आपने पढ़ा हुआ तो आपको आइडिया होगा। B7 में गुड, अच्छा एक बचने का मैंने सर B7 को सवाल पूछना है। अच्छा बेटा, ये मैं सैटरडे को इंशाल्लाह आपसे और डिस्कशन करेंगे। चलें, अभी मैंने काफी टाइम स्पेंड कर दिया है, सैटरडे को मैं कुछ टाइम रखूंगा, उसमें हम डिस्कशन काफी करेंगे, ये पॉइंट कैसे आ रहा है, वो पॉइंट कैसे आ रहा है। इंशाल्लाह हम टॉपिक यहां नया स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह।
हाँ जी, सबसे पहले सब लोग मुझे बताएंगे ओवरहेड्स होते क्या है। हरिया क्विकली सब लोग मुझे रिप्लाई करेंगे व्हाट इज द ओवरहेड। सिंपल, अगर आपको किसी आप किसी जॉब इंटरव्यू पे गए और आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द कॉस्ट ओवर ओवरहेड्स क्या होते हैं, आप तो आपको डिफाइन करना है। किसने क्या होता है डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर ओवरहेड्स बोलते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसिस को ओवरहेड्स बोलते हैं। किसी ने भी मुझे प्रॉपर डेफिनेशन नहीं बताई अभी तक व्हाट इज द ओवरहेड्स। ये मैंने हैंडबुक का ना वो लोड नहीं कर रहा, पूरी बुक होती तो मैं भी डिस्कस करता हूं। एक्सपेंसेस इनकर्ड, अच्छा कुछ लिखी जा रहे हैं एक्सपेंसेस, यही खाली ओवरहेड एक्सपेंसेस तो नहीं खाली होते, एक्सपेंसेस भी होते हैं और चीजें भी होती हैं इसमें। विच इज एसेंशियल फॉर द इन्वेंट्री, नहीं ऐसा कुछ नहीं यार, एसेंशियल का मतलब क्या है, मटेरियल भी इसेंशियल है, डायरेक्ट मटेरियल भी, सारी कॉस्ट एसेंशियल ही होती है। एक्सपेंसिस इनकर्ड ऑन प्रोड्यूसिंग आइटम, कुछ बात बच्चा कह रहा है कि एक्सपेंसिस जो एक प्रोडक्ट बनाने के लिए लगा रहे होते हैं, तो यार मटेरियल भी तो बनाने भी लगा रहे थे। मैंने पहले फिर वही बात कर रहा हूं कि ये जो हमारे पास ओवरहेड्स होते हैं ये खाली एक्सपेंसेस तो नहीं होते। आप जो बातें जितने भी बच्चे लिख रहे हैं ये बिल्कुल सही लिख रहे हैं, आपकी आई थिंक बुक के लेवल पे ये ठीक है वैसे लिखता है, लेकिन व्हाट इज द एग्जैक्ट ये मैं थोड़ा क्लियर करना चाह रहा हूं आपको। रनिंग कॉस्ट, अच्छा कॉस्ट इनकर्ड ऑन इन्वेंट्री, खाली इन्वेंट्री भी कॉस्ट है। कुछ बच्चों लिखा है कि डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर के अलावा जो जो कॉस्ट लग रही होती है एक्सपेंस लग रहे होते हैं वो सिर्फ ओवरहेड्स बोलते हैं। ये कुछ हद तक डेफिनेशन सही है आपकी बुक के लेवल पे, ये आपके लेवल पे इसी तरह से डिस्कस करता है। अच्छा कुछ बच्चे लिखे ये ऑपरेटिंग कॉस्ट है, भाई ये ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं है, जरूरी नहीं है ऑपरेशन के लिए कॉस्ट लगाई जा रही हो। वेल गुड, सब लोग रिप्लाई करें इट्स वेरी गुड। चले मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ पे, आई थिंक मैं डिस्कस करता हूँ फिर आपको और चीजें क्लियर होंगी कि ये क्या होता है। सबसे पहले मैं थोड़ा एक आइडिया देता हूँ बेटा आपको, थोड़ा सा रिवाइज शीट ही नहीं ले लेता हूँ यार, क्या इसको उठाना है। चलो थोड़ा एक आइडिया देता हूँ आपको बेसिकली होता क्या कंपनी, थोड़ा डिटेल्ड आइडिया देने लगा मैं, डिटेल्ड कोशिश करता हूं कि थोड़ा आपको डिटेल में मैं आइडिया दे दूं कि हमारी कंपनी जो होती है ना कंपनी में चल क्या रहा होता है। कुछ बच्चों ने लिखा है कि डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर के अलावा जो कॉस्ट होती है उसे फैक्ट्री ओवरहेड्स बोलते हैं, कुछ हद तक ये ठीक है। बिजनेस रनिंग कॉस्ट विच कुड नॉट बी एट्रीब्यूटेबल टू स्पेसिफिक एक्टिविटी, अच्छा जी ठीक है। चल मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं, थोड़ा आप डिटेल में थोड़ा जाने लगा हूं, आप आइडियाज में ले लीजिएगा बेटा। देखें एक कंपनी ने, ये जो कंपनी है एक स्ट्रक्चर, थोड़ा सा छोटा सा स्ट्रक्चर बनाऊंगा मैं यहां पे कर लीजिएगा बात यार। एक कंपनी है यार, हमने पूरी कंपनी की कॉस्ट निकाल ली है, ठीक हो गया। चलो मैं यहां क्या करता हूं कंपनी को सेंटर में लिखता हूं, क्विकली सा बनाऊंगा आपके बुक में, यह कहीं नहीं बनाऊंगा। एक जो कंपनी ने, कंपनी में एक यूनिट की हमने कॉस्ट निकालनी है यार, कोई मुझे बता सकता है कंपनी में कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं? कंपनी में बहुत से डिपार्टमेंट्स होते हैं लेकिन स्टैंडर्डाइज दुनिया के अंदर इंटरनेशनल जो कंपनी के डिपार्टमेंट समझ आते हैं वो 7 डिपार्टमेंट्स, यानी ये ज्यूम किया जाता है कि 7 डिपार्टमेंट्स हैं, ये 7 फंक्शंस हैं। उसमें से एक डिपार्टमेंट ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, एक एडमिन डिपार्टमेंट होता है, एक रिसर्च डिपार्टमेंट होता है, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है हमारे पास, एक एचआर डिपार्टमेंट होता है हमारे पास, और इसके अलावा एक आईटी डिपार्टमेंट होता है। दुनिया में यही 7 डिपार्टमेंट है, ये 7 डिफरेंट फंक्शंस कह लें आप, कि आईटी का फंक्शन है, एचआर का फंक्शन है, फाइनेंस का फंक्शन है, रिसर्च का फंक्शन है, एडमिन का फंक्शन है, मार्केटिंग का फंक्शन है और प्रोडक्शन का फंक्शन, ये 7 फंक्शन समझ जाते हैं। इसमें से एक ये जो डिपार्टमेंट है ये है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इसे बोलते हैं हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ये प्रोडक्शन, इसकी जितनी भी कॉस्ट होगी सब प्रोडक्शन की कॉस्ट होगी, बाकी जितने भी डिपार्टमेंट हैं इन सब को बोलते हैं हम नॉन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ये प्रोड्यूस नहीं करते, ये प्रोडक्ट बनाते नहीं, ये बाकी सारी प्रोडक्ट को बनाने में हेल्प कर रहे होते हैं,
इनको नॉन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कॉस्ट या नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट का नाम दे रहे होते हैं। तो पूरी दुनिया में जितनी भी कंपनीज होती हैं उन कंपनी में ये सेवन डिपार्टमेंट्स ही होते हैं, ठीक हो गया। उन सेवन डिपार्टमेंट्स के अंदर एक डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, बाकी सारे नॉन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होते हैं। अच्छा अब थोड़ा सा आगे चलते हैं ना। अब ये जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है बेसिकली ये जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है इसमें कौन कौन सी कॉस्ट लगाई जा रही होती है, इसमें किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए सिक्स एलिमेंट्स हमेशा पूरे किए जा रहे होते हैं। एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए सिक्स एलिमेंट्स बेटा पूरे किए जा रहे होते हैं। एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक तो डायरेक्ट मटेरियल लगाया जाता है, डायरेक्ट लेबर लगाई जा रही होती है, डायरेक्ट एक्सपेंस लगाया जा रहा होता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस, इन एक मेन कॉस्ट लगाई जाती है। इसे बोलते हैं हम प्राइम कॉस्ट, मेजोरिटी कॉस्ट यही होती है, ये हमारी प्राइम कॉस्ट होती है। और इसके अलावा एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए इनडायरेक्ट मटेरियल भी यूज होता है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये भी इनकर किया जा रहा होता है। ये मैं स्टोरी चला रहा हूं पूरी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की, कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कौन कौन सी कॉस्ट लगाई जाती है। ये जो कॉस्ट होती है हमारे पास, ये जो कॉस्ट होती है इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इसे बोलते हैं हम ओवरहेड्स, या प्रोडक्शन ओवरहेड्स, या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, या फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये इसको एक और नाम देते हैं सप्लीमेंट्री कॉस्ट। ये सप्लीमेंट्री कॉस्ट होती है बेसिकली, एडिशनल कॉस्ट होती है। तो डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। यानी एक बात याद रहे कि दुनिया की जितनी भी प्रोडक्ट है ये तीन कंपोनेंट से मिलकर बनती है, मटीरियल, लेबर, एक्सपेंस। मटेरियल डायरेक्ट भी होता है, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, मेन कंपोनेंट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो हम डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जिस फैक्ट्री में ये प्रोडक्ट बनती है, फैक्ट्री में क्लीनिंग के लिए, सफाई के लिए बहुत से मटेरियल इस्तेमाल होते हैं, वो प्रोडक्ट का पार्ट नहीं बनते, वो इनडायरेक्ट मटेरियल होता है। डायरेक्ट लेबर जो प्रोडक्ट को खुद बना रही होती है, जिनकी सैलरी का, जिनकी पे का प्रोडक्शन से डायरेक्ट लिंक होता है, जितने प्रोडक्ट ज्यादा बनाएंगे पैसे ज्यादा मिलेंगे, वो डायरेक्ट लेबर होती है। लेकिन फैक्ट्री मैनेजर्स हो गए, डायरेक्टर्स हो गए, या मार्केट मैनेजर्स जो लोग होते हैं वो प्रोडक्ट को बनाते नहीं है, जस्ट मैनेज कर रहे होते हैं, उनकी फिक्स सैलरी मिल रही होती है, वो इनडायरेक्ट लेबर होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस नॉर्मली नहीं होता, इसलिए सीए में हमने ये कहीं डिस्कस भी नहीं किया है। डायरेक्ट एक्सपेंस होता नहीं, 99% जो एक्सपेंसिस होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं, लेकिन भरल ये कॉन्सेप्ट जरूर है। तो क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होता इसलिए हम इसका नाम ही नहीं लेते, हम यूं बोलते हैं कि एक कंपोनेंट जो होता है वो डायरेक्ट मटेरियल होता है, एक कंपोनेंट डायरेक्ट लेबर होता है, तीसरा कंपोनेंट ओवरहेड्स होते हैं, हम यू बोलते हैं नॉर्मली। लेकिन ओवरहेड्स की डिटेल में बेसिकली बेटा होता क्या है, ये बैक एंड पे ये मैंने बताई आपको जरा बात, कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर ये प्राइम कॉस्ट होती है, मेजर कॉस्ट होती है, ये प्रोडक्ट को बनाने के लिए मेन कॉस्ट होती है। इसके अलावा भी जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट मटेरियल होता है, इनडायरेक्ट लेबर होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये इसके अलावा लगाए जा रहे होते हैं हमारे पास। ये कॉस्ट जो कुछ होती है हमारे पास, ये मेन कॉस्ट के अलावा भी हम कॉस्ट इनकर कर रहे होते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है, इनडायरेक्ट लेबर क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या है, चले इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है। इनडायरेक्ट मटेरियल, जिस फैक्ट्री में ये प्रोडक्ट बनती है उस फैक्ट्री में कुछ मटेरियल इस्तेमाल हो रहे हैं क्लीनिंग के लिए, या मशीनों में लुब्रिकेशन के लिए ऑयल यूज हो रहा है, ग्रीसिंग के लिए ऑयल यूज हो रहा है, मशीन की सफाई के लिए ऑयल यूज हो रहा है। वो जो ऑयल है तो मटीरियल, क्या वो प्रोडक्ट का पार्ट बनेगा, वो प्रोडक्ट का पार्ट कभी नहीं बनता, दैट इज नॉट द मेन कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्ट, वो हमारे पास इनडायरेक्ट मटेरियल होता है। इनडायरेक्ट लेबर, जिनकी सैलरी है, जो मैनेजर्स काम कर रहे होते हैं, जो डायरेक्टर्स काम करते हैं, जो प्रोडक्ट बनाते नहीं है, जस्ट मैनेज कर रहे होते हैं, मैनेज करने के पैसे ले रहे होते हैं, वो इनडायरेक्ट लेबर होती है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस बहुत ज्यादा होते हैं हमारे पास, 99% एक्सपेंस होते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, इसलिए कुछ वचन लिखा कि हमारे पास जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो फैक्ट्री ओवरहेड्स होते हैं। तो ये कुछ हद तक बात ठीक है, लेकिन मेन कंपोनेंट्स में यही है बेटा, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इन तीनों को ऐड करें तो हमारे पास बनता है फैक्ट्री ओवरहेड्स। इसे फैक्ट्री ओवरहेड्स भी बोलते हैं, इसको मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी बोलते हैं, इसको सप्लीमेंट्री कॉस्ट का नाम भी दिया जा रहा होता है। अच्छा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं, ये बात थी हमारे पास। इनडायरेक्ट एक्सपेंस बेटा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस मींस लाइक फैक्ट्री का जो रेंट है, जिस फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनाते हैं रेंट पे करें, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, फैक्ट्री की गैस का बिल है, फैक्ट्री की हीटिंग का बिल है, फैक्ट्री की लाइटिंग का बिल है, फैक्ट्री में हम ऐसे इस्तेमाल हो रहे हैं, डेप्रिशिएट हो रहे हैं, डेप्रिसिएशन का अमाउंट है, फैक्ट्री की इंश्योरेंस का इंश्योरेंस पे करते हैं, फैक्ट्री के हम टैक्सेस पे करते हैं यहाँ पे। यानी हमें जितनी भी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर के अलावा जितनी भी मेजर कॉस्ट लग रही होती है, सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही होते हैं। तो वो सारी कॉस्ट हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी में ट्रीट कर रहे होते हैं। ठीक होगी बात बेटा यहां तक, इज इट क्लियर। इनडायरेक्ट मटेरियल, ये बात याद रहे कि दुनिया में जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं
वो तीन कंपोनेंट से मिलकर बनती है, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस, नॉट ओवरहेड्स, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस। अब हम इसको कैटेगराइज यूं करते हैं क्योंकि अब मटेरियल लेबर एक्सपेंस है, डायरेक्ट भी होते हैं, यानी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, तो इसको बोलते हैं प्राइम कॉस्ट, ये मेजर कॉस्ट है। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इसे बोलते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड, यानी फैक्ट्री ओवरहेड। देखिए मैंने लॉजिक बता दिया आपको, हम बोलते इस तरह से हैं, हम इसको डिफाइन यू करते हैं कि एक कॉस्ट हमारे पास जनाब मेजर डायरेक्ट मटेरियल लगाई जा रही होती है, दूसरी डायरेक्ट लेबर लगाई जा रही है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस तो होता ही नहीं, ये 1% एक्सपेंसिस होते हैं, बहुत ही माइनर होते हैं, इसको इग्नोर करते हैं। इसलिए हम इन सब को इनडायरेक्ट बोलने की बजाय हम एक ही नाम यूज कर लेते हैं, ओवरहेड। ये डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड, लेकिन इनफैक्ट क्या और होता है ये मैंने आपको क्लियर कर दिया इसके अंदर। यहां तक कोई इश्यू बेटा? कोई सवाल? हाँ जी, कोई सवाल किसी बच्चे के माइंड में? यहां तक कोई सवाल? नो। अच्छा सब बच्चों ने मुझे क्या करना है, एक एक रिप्लाई करना है, मुझे एग्जाम्पल चाहिए इनडायरेक्ट मटेरियल की, इनडायरेक्ट लेबर की और इनडायरेक्ट एक्सपेंस की, सबकी आपने एक एक मुझे ना दो दो एग्जाम्पल दे देनी है अभी कि क्या होता क्या है। तो पहले आप इनडायरेक्ट मटेरियल के मुझे रिप्लाई करेंगे, इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, कोई एक नाम मुझे बता दें कि ये एक इनडायरेक्ट मटेरियल होता है किसी भी कंपनी में, किसी भी फैक्ट्री, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कोई एक नाम मुझे आप रिप्लाई करें जल्दी जरा। क्लीनिंग के लिए ठीक है, तो क्लीनिंग के लिए सोप वगैरह यूज होता है, ठीक है। स्टेशनरी, ठीक है, स्टेशनरी जितनी यूज हो रही होती है, लेकिन नॉर्मली बेटा ये स्टेशनरी वगैरह ना प्रोडक्शन में इस्तेमाल नहीं होती नॉर्मली, ये जो स्टेशनरी इस्तेमाल हो रही होती है वो एडमिन डिपार्टमेंट वगैरह में होती है, ये फाइनेंस में। लुब्रिकेशन ऑफ मशीनरी, ये भी बिल्कुल बात ठीक है। हाँ जी, डिस्पोजेबल टूल्स, ठीक है, लेकिन देख रहे हैं ये टूल्स होते हैं बेटा, मटेरियल की बात कर रहा हूं। डिपेंडेंस, डिपेंड, हसन लिख दिया जनाब, डिपेंड करता है, ठीक है जनाब, डिपेंड ही करता है। रैपर, ठीक है, रैपर भी, अब इनडायरेक्ट लेबर के बारे में मुझे एग्जाम्पल दे, इनडायरेक्ट लेबर कौन कौन सी होती है? हाँ बचने रिपेयर, ठीक है, लेकिन रिपेयरिंग क्यों, मटेरियल थोड़ी होता है यार, फैक्ट्री क्लीनिंग स्टाफ, अच्छा, प्रोडक्शन सुपरवाइजर, वो तमाम बंदे जो कंपनी में काम करें, जो फैक्ट्री में काम करें, वो तमाम बंदे जो फैक्ट्री में, ये मैंने स्टोरी शुरू की है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से ऑनवर्ड, जो फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं और उनकी फिक्स सैलरी होती है, जो मैनेज करते हैं, प्रोडक्ट को बनाते नहीं है, फैक्ट्री मैनेजर हो गया, फैक्ट्री सुपरवाइजर हो गया, कंट्रोलर हो गया, ठीक है, अल्लाह, फैक्ट्री गार्ड हो गया, बिल्कुल, गार्ड को अगर हम सैलरी जो है जो भी पे करें, ठीक थोड़ा सा, अच्छा ठीक है, ठीक है, अभी मैं एग्जांपल और भी लेता हूँ आपसे। अच्छा मैं थोड़ा यहाँ एक और चीज क्लियर कर दूँ, हम कर क्या रहे होते हैं बेसिकली बेटा, तो ये सारी कॉस्ट जो हमारे पास आती है इसे बोलते हैं हम प्राइम कॉस्ट, ये जो सारी कॉस्ट हमारे पास यहां से आ रही होती है इसे बोलते हैं हम ओवरहेड्स। अब इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं, प्राइम कॉस्ट और ओवरहेड्स, तो हमारे पास क्या आता है, प्रोडक्शन कॉस्ट, ये क्या आ जाता है हमारे पास, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाती है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कॉस्ट है। अब ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कॉस्ट है बेटा, बाकी सारी कॉस्ट क्या है, ये वाली सारी क्या होती है, नॉन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फिर प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन हम इसको ऐड कर लेते हैं, फिर प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन इसको हम ऐड कर लेते हैं, ऐड करके जो कॉस्ट आ रही होती है दैट इज कॉल्ड टोटल कॉस्ट,
इसमें टोटल कॉस्ट का नाम देते हैं कि वो टोटल कॉस्ट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कॉस्ट है और नॉन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कॉस्ट है, दोनों को अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट। तो वो जो टोटल कॉस्ट आती है उसे हम फैक्ट्री में यूज कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब आप मुझे बता दें इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या है, कौन कौन से होते हैं, जल्दी बता दें। एक बच्चे ने कहा अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, लीगल। मुझे चीज बताएं बेटा, ये अकाउंटिंग की जो कॉस्ट है क्या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में लगेगी, अकाउंटिंग की कॉस्ट, ऑडिटिंग की कॉस्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में लग रही होगी, लीगल की कॉस्ट ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर लग रही है कॉस्ट, बताएं जरा। ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में थोड़ी लग रही बेटा, मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से पॉइंट ऑफ व्यू पूछ रहा हूं, प्रोडक्शन ओवरहेड्स। हाँ, फैक्ट्री का रेंट, ये फैक्ट्री का रेंट है, ये प्रोडक्शन का ओवरहेड्स। फैक्ट्री की रिपेयरिंग मेंटेनेंस ठीक है, फैक्ट्री की डेप्रिसिएशन ठीक है, फैक्ट्री के एक्सपेंस हम निकालेंगे, फैक्ट्री के इलेक्ट्रिसिटी का बिल ठीक है, फैक्ट्री की हीटिंग, लाइटिंग, यूटिलिटीज ठीक है, ये सब एक्सपेंसिव है। फैक्ट्री की डेप्रिसिएशन एग्जैक्टली, फैक्ट्री की इंश्योरेंस फाइन, फैक्ट्री रिपेयर्स मेंटेनेंस एग्जैक्टली, सो आई थिंक ये सबको ये बात समझ आ गई है, मेरा ख्याल है सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेटा। ये तो कुछ हमने एग्जाम्पल से भी डिस्कस कर लेंगे, इसका मतलब है यहां तक मेरा ख्याल आज के लिए काफी है। व्हाट डू यू थिंक? फिर कुछ बच्चे कहते हैं सर बहुत ज्यादा पढ़ा रहते हैं यार, तो काफी आज के लिए बेटा। चलें ठीक है जनाब, आज के लिए फिर काफी है इंशाल्लाह, हम वी विल स्टार्ट टुमारो, फॉर टुडे दिस इज सफिशिएंट इंशाल्लाह, सो कल हम बेटा इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, सो फॉर टुडे दिस इज सफिशिएंट, तो थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू वेरी मच। Thank you.